लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। 1983 विश्व कप पर बनने वाली फिल्म में इस दिग्गज की भूमिका में नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। रणवीर सिंह जल्द ही एक नई फिल्म में नजर आने वाले हैं, जो कि भारत की क्रिकेट विश्व कप 1983 की जीत पर आधारित होगी। इस फिल्म का निर्देशन कबीर खान करेंगे। रणवीर सिंह कपिल देव का किरदार निभाते नजर आएंगे। मुंबई मिरर की खबर के मुताबिक इस फिल्म के लिए बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अप्रोच किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो विजेता टीम इंडिया के कोच का किरदार निभाते नजर आएंगे। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द ही फिल्म साइन कर लेंगे। नवाज और कबीर ने पहले सलमान खान कलाकार बजरंगी भाईजान के लिए मिलकर काम किया था, जिसमें अभिनेता ने पाकिस्तानी समाचार संवाददाता निभाया था। निर्देशक ने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए कहा कि मुझे तब पता नहीं था कि उस दिन से भारत में क्रिकेट हमेशा के लिए बदल जाएगा। एक फिल्म निर्माता के रूप में उस जीत की यात्रा, ऊर्जा और युवा भारतीय टीम के उत्साही जुनून से भरी हुई शायद सबसे रोमांचक कहानियों में से एक है जिस पर मैंने काम करना शुरू किया है। रणवीर का कपिल देव का किरदार निभाना बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू करने के बाद से ईमानदारी से इस भूमिका में किसी और को नहीं देख सकता था। बता दें कि कपिल देव से पहले क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक फिल्में महेश धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और मोहम्मद अजहरुद्दीन की बायोपिक अजहर दर्शक पर्दे पर देख चुके हैं। जहां तक बात कपिल के बायोपिक की है, तो यह कहा जा रहा है कि यह फिल्म केवल कप्तान कपिल देव पर नहीं बल्कि पूरी टीम इंडिया पर बनने वाली है। बता दें, रणवीर सिंह पहली बार किसी बायोपिक में काम करेंगे।